नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रेस वार्ता की है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने दी है 10 गारंटियां, तो वहीं 4 महीने के कार्यकाल का आकलन करना ठीक नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की वोट से लगातार कहा जा रहा है। चुनावी मैदान में लगातार कई दिग्गज उतर चुके हैं, तो वहीं 4 महीने में कांग्रेस सरकार ने कई बड़े काम किए, बीजेपी ने सत्ता में रहते हुए कोई काम नहीं किया, ये कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रेस वार्ता की है, तो वहीं कांग्रेस सभी गारंटियां पूरी करेगी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा गया है। 4 महीने के कार्यकाल का आकलन करना ठीक नहीं है, 4 महीने में सरकार ने कई काम किए हैं, बीजेपी ने सत्ता में रहते काम नहीं किया है, सत्ता जाने के बाद बड़े दावे कर रहे हैं। विधानसभा के चुनाव में हमने 10 वायदे किए और इस सरकार का कार्यकाल केवल भी 4 महीने हुआ है, और किसी भी सरकार का जो 4 महीने का कार्यकाल है वो बहुत थोड़ा होता है, मगर ये 4 महीने का कार्यकाल भी जो है वो उपलब्धियों भरा है। हमने कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे, हमने पहली कैबिनेट मीटिंग में उसको लागू किया है, और एनपीएस जो है उसको नोटिफिकेशन से बंद कर दिया है। हमने अपना पहला वादा जो है वो पूरा किया है। हमने दूसरा वादा किया था कि हम जो है हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपये पेंशन के रूप में देंगे। ठीक है, आर्थिक बोझ पड़ना है, बहुत पड़ेगा इसके ऊपर बोझ, मगर ये जो वायदे हमने किए थे वो हमने कोई ऐसा नहीं कि पहले महीने में या 4 महीने में पूरे करने की बात की, और ये जो वायदा है हमने फर्स्ट फेज में हमने हिमाचल प्रदेश की 2,31,000 महिलाओं को 1 अप्रैल 2023 से पेंशन को शुरुआत कर दी है। हमने जो कमिटमेंट की थी हमने उसको पूरा किया है। हमने कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन सिस्टम को हर चुनाव क्षेत्र में एक मॉडल स्कूल बनाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की शुरुआत की है, बजट का प्रावधान किया गया है, और बहुत सारे इस कॉन्फ्रेंसेज में लैंड भी चयनित कर दी गई है जिसके लिए उसका काम जो है आरम्भ कर दिया जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी के मैं पेपर में देख रहा हूँ बहुत सारे वायदे किए, बहुत सारे वायदे किए आज अखबारों में उनके दिए गए हैं। 4,000 लीटर पानी प्रतिदिन निःशुल्क देंगे, हर वार्ड में शुल्क शौचालय पार्किंग जिम एवं पार्क बनाएंगे, एक निगम एक टैक्स प्रणाली लागू करेंगे, 2 बिछवा जमीन पर जहां डारा में मकान देंगे। मैं जयराम जी से पूछना चाहता हूं कि पिछले 5 साल किसकी सरकार थी? जयराम जी जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त तो उनको जो ये वायदे हैं जो आज ये नगर निगम के लोगों से कर रहे हैं, आज ये वायदे कर रहे हैं उस वक्त तो किया नहीं। और जो यहाँ है हिमाचल में तो ट्रिपल इंजन की सरकार थी, केंद्र में मोदी की सरकार, प्रदेश में जयराम जी की सरकार, और नगर निगम शिमला में स्पष्ट बहुमत जो है भारतीय जनता पार्टी का था। जिन लोगों ने, जिस सरकार ने 5 साल अपने वायदे पूरे नहीं किए वो आज वायदा कर रहे हैं, और क्या उनकी स्थिति इन वायदे को पूरी करने की है? क्या ये समझते हैं कि नगर निगम शिमला की जो जनता है या नगर निगम का जो वोटर है वो उनकी बातों में भ्रमित होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा? मुझे ऐसा नहीं लगता है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में से पहले नगर निगम के चुनाव होने चाहिए थे, क्यों नहीं हुए चुनाव? इन्होंने, क्योंकि इनको पता था कि नगर निगम के चुनाव अगर विधानसभा से पहले होंगे और भारतीय जनता पार्टी हारेगी और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव पे उसके नेगेटिव असर पड़ेगा, इन्होंने उसको टालने की कोशिश की है।